नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेडिसिनल ड्रग्स. मेडिसिनल ड्रग्स अगर हम बात करें तो हमारे पास ये फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आ जाते हैं, जैसे कि मेडिसिन. अब मेडिसिन जो है वो भी एक ड्रग के तौर पर ही वर्क करती है, जो कि केमिकल कंपोजिशन की होती है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में जाकर डिफरेंट काइंड के डिजीज़ को क्योर करती है, उनके ट्रीटमेंट के लिए परफॉर्म होती है. अब अगर हम देखें तो जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं वो कुछ ऐसे भी हैं जिनको यानी हम नेचुरल वे से हासिल करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम लेबॉरेटरी में आर्टिफिशियल वे से प्रोड्यूस करते हैं. उनमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिंथेटिक ड्रग्स. सिंथेटिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो नेचुरली तो एग्जिस्ट नहीं करते, पर हम उनको आर्टिफिशियली लेबॉरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि वो नेचुरली उनकी अकरेंस नहीं है, पर हम उनको आर्टिफिशियल तरीके से जो लेबॉरेटरीज हैं उनमें सिंथेसाइज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास एस्पिरिन है. एस्पिरिन, पैरासीटामोल वगैरह, तो ये जो है हमारे पास ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड ड्रग्स हैं, मेडिसिनल ड्रग्स. तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास सेकंड जो है वो ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फंजाई. के प्लांट्स और फंजाई से कैसे ड्रग्स हमारे पास हासिल होते हैं? हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है उसको डिस्कवर किया था. वो कैसे? इन्होंने एक फंजाई जो है उससे यानी डिस्कवर किया था एक फर्स्ट एंटीबायोटिक को. वो फंजाई थी पेनिसिलियम नोटेटम, यानी उस फंजाई का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम. और उस पेनिसिलियम नोटेटम से इन्होंने एक मेडिसिन को डिस्कवर किया, एंटीबायोटिक को, जिसका नाम था पेनिसिलिन. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये फंजाई है, यानी कि फंजाई से जो हमें ड्रग हासिल हुआ वो था पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम फंगस. तो इसके बाद अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स से भी हमें बहुत से यानी मेडिसिन जो हैं वो हासिल होते हैं. कुछ प्लांट्स होते हैं जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जिनसे हमें मेडिसिन वगैरह हासिल होती हैं, ड्रग्स हासिल होते हैं. तो इसमें अगर हम देखें सबसे पहले तो हमारे पास जो है प्लांट्स में हमारे पास फॉक्स ग्लव वगैरह, ठीक है, यानी कि बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करते हैं. जैसे हम बात करें मॉर्फिन वगैरह की, तो मॉर्फिन जो है वो हमें मिलती है ओपियम पॉपी प्लांट से. जो ओपियम पॉपी प्लांट के लीव्स होते हैं वहाँ से हमें जो है ये ऑब्टेन होती है. इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो कार्डियोटॉनिक, यानी कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एंटीबायोटिक होती हैं, कुछ एनाल्जेसिक्स होती हैं और कुछ कार्डियोटॉनिक होती हैं. कार्डियोटॉनिक मेडिसिन जो हैं यानी ये जो हैं इनको जाना जाता है डिजिटैलिस के नाम से, यानी कि डिजिटैलिस जो ये फॉक्स ग्लव एक प्लांट है, तो उसका जो यानी जूस होता है ना लीव्स का, इसके अंदर से जो है यानी इसको कार्डियोटॉनिक जो है इसको हासिल किया जाता है. उसके बाद हमारे पास हैं ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स. एनिमल्स से कैसे ड्रग्स हासिल किए जाते हैं? जो ड्रग्स हमारे पास एनिमल से हासिल होते हैं वो मेनली एनिमल्स की ग्लैंडुलर सिक्रीशंस होती हैं, यानी कि जो ग्लैंड सिक्रीट करते हैं. अब ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं उनमें बहुत से हार्मोन्स भी हो सकते हैं, वैक्स हो सकती है, बीज हो सकती हैं, ठीक है, मर्व्स हो सकती है, और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे ऑडिटॉनिक्स वगैरह, ठीक है, तो इस किस्म की जो फिश लीवर ऑयल वगैरह, तो वो हमारे पास हो सकती हैं. ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स. अब हम मिनरल्स जो हैं इनसे कैसे ड्रग्स हासिल कर सकते हैं? याद रखें कि एक हमारे पास मिनरल है आयोडीन. मिनरल की बात करेंगे, एक हमारे पास है आयोडीन. आयोडीन जो है ये यूज होती है टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाने के लिए, यानी कि लिक्विड फॉर्म में उसको बनाने के लिए, टिंक्चर लिक्विड. अब वो जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है वो इस्तेमाल होता है उस जगह पे जहाँ पे यानी कट्स लग जाएं, ब्रिजेस हो जाएं, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट्स लग जाएं, और उन कट्स की फिलिंग करने के लिए आयोडीन का जो टिंक्चर होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है. तो ये भी एज ए मेडिसिनल यूज़ होता है. इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास होता है सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट. अब सिल्वर नाइट्रेट जो है ये कहाँ पे यूज़ होती है? सिल्वर नाइट्रेट जो है ये उस जगह पे यूज होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, यानी कि ब्लीडिंग स्टॉप ना हो रही हो, तो उस जगह पे जो है वो सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ब्लीडिंग जो है उसको स्टॉप किया जा सके. उसके बाद ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से भी जो मेडिसिन हैं उनको तैयार किया जाता है, ड्रग्स को तैयार किया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में. इन माइक्रो ऑर्गेनिजम यानी बैक्टीरिया के जरिए भी हम ड्रग्स को मेडिसिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं. और बैक्टीरिया के जरिए जो मेडिसिन सिंथेसाइज की गई वो थी स्ट्रेप्टोमाइसिन. स्ट्रेप्टोमाइसिन
इसके बाद साइंटिस्ट जो है वो और भी बहुत से जो वर्क है वो परफॉर्म कर रहे हैं कि सोयल में से बहुत से मिनरल्स वगैरह जो हैं उनसे यानी कि डिस्कवरी कर रहे हैं ताकि जो है डिफरेंट काइंड की जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका जो है वो डेवलपिंग हो सके। इसके बाद अगर हम देखें तो और भी बहुत सी यानी मेडिसिन हैं जो सेंथेसाइज हुई हैं, जैसे टेरामाइसिन वगैरह, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन वगैरह। तो ये जो है हमारे पास सारी इसके यानी ड्रग्स थी, मेडिसिनल ड्रग्स के कहाँ कहाँ से उनके सोर्सेज हैं, फ्रॉम सेंथेसाइज कहाँ से किया जाता है उनको, और प्लांट्स और फंजाई से कौन से हासिल होते हैं, एनिमल से, मिनरल से और बैक्टीरिया से। तो ये हमारे पास जो थे मेडिसिनल ड्रग्स की लिस्ट थी। ओके, थैंक्स।